नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे CMA फाइनल कोर्स सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम CMA कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और CMA कोर्स का हर एक पहलू यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हमने डिस्कस किया है CMA कोर्स का कितने स्टेजेस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होता है, इंटर क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, उनमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी आप तक हम ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे CMA फाइनल कोर्स के बारे में और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि CMA कोर्स का क्या सिलेबस है और क्या सब्जेक्ट्स हमें CMA कोर्स में पढ़ने होते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, CMA में कौन एडमिशन ले सकता है। जिन्होंने CMA इंटरमीडिएट क्लियर किया है, वही लोग, वही स्टूडेंट CMA फाइनल में एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर हमें CMA फाउंडेशन में एडमिशन लेना है तो अलग क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का था। अगर CMA इंटरमीडिएट में हमें एडमिशन लेना है तो वहाँ पे भी अलग क्राइटेरिया था। आज हम देखेंगे, अगर CMA फाइनल कोर्स के लिए हमने एडमिशन लिया है तो सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है। तो अगर CMA फाइनल में हमें एडमिशन लेना है तो हमारा CMA इंटरमीडिएट कंप्लीट होना ज़रूरी होता है, तभी जाके हम CMA फाइनल में एडमिशन ले सकते हैं। तब तक हम CMA फाइनल के लिए एडमिशन नहीं ले सकते, ये हमें याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CMA फाइनल में क्या सिलेबस है और कोर्सेस क्या हैं और सब्जेक्ट्स क्या हैं जो हमें पढ़ना होता है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक, ये मेरा एकेडमिक इंसाइट्स, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, अभी तक आपने अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी दोस्तों को, आप सभी मेरे स्टूडेंट्स को मेरी दरख्वास्त है कि ये आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स, और आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। उसी के साथ में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर भी आपको प्रेस करना है, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते रहेंगी और आप तक मेरे वीडियोस अपने आप आते रहेंगे तब, ताकि आप इसको जब प्रेस करेंगे तब। और साथ ही में आप, हम देखेंगे आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को मेरी दरख्वास्त है, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ के बारे में आपके जो सवाल हैं, वो पूरे सवालों के जवाब, उस पूरे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और इस वीडियो में हम बात करेंगे CMA फाइनल कोर्स के बारे में, उस कोर्स के सिलेबस के बारे में, उस कोर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो CMA फाइनल इस कोर्स में क्या है सिलेबस, क्या है सब्जेक्ट्स और कौन से हैं सब्जेक्ट्स और कितने हैं ग्रुप। तो यहाँ पे भी दो ग्रुप आपको देना है, CMA फाइनल में दो ग्रुप्स हैं, और ग्रुप वन में सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है कॉरपोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस, कॉरपोरेट रिलेटेड, जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके रिलेटेड जो भी लॉज हैं और उसके जो कंप्लायंसेस हैं, इसके बारे में आपका पहला सब्जेक्ट है कॉरपोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस। दूसरा सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देर आर सम स्ट्रेटजीज, उसको इस बारे में। और एक सब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये है आपके ग्रुप वन का दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट जो हमें यहाँ पे पढ़ना है उसका नाम है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करेंगे और डिसीजन मेकिंग के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, और ये रहेगा आपका तीसरा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट जो हमें यहाँ पे पढ़ना है उसका नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स लॉज के बारे में और जो भी इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, लॉज है, उसके बारे में हम यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर फोर, जो ग्रुप वन का पहला फोर्थ सब्जेक्ट है और लास्ट सब्जेक्ट है, उसके बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे। तो ये था ग्रुप वन, अब हम बात करेंगे ग्रुप टू। ग्रुप टू में हम क्या पढ़ेंगे, उसके सब्जेक्ट्स है, पहला सब्जेक्ट है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते हैं, उसका रिपोर्टिंग होना भी ज़रूरी होता है। तो कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ग्रुप वन के पहले सब्जेक्ट में। दूसरा सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो हम यहाँ सब्जेक्ट में देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में इस सब्जेक्ट में हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है, और मिलेगी ही, पॉसिबिलिटी छोड़ो मगर मिलने ही वाला है।
और चौथा सब्जेक्ट है जो हम इसमें पढ़ेंगे, इस ग्रुप टू में पढ़ेंगे, और उसका नाम होगा स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो ये है आपका चौथा सब्जेक्ट जो ग्रुप टू का। तो आपको इस CMA फाइनल के सिलेबस में आपको दो ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन है, दो ग्रुप्स में आपको अटेम्प्ट देना है, ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों में मिला के, कुल मिला के 8 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। जब आप ये 8 सब्जेक्ट पास हो जाओगे तभी आपको CMA का डिग्री मिलेगा। जब आप दोनों ग्रुप क्लियर हो जाओगे, CMA का फाइनल स्टेज क्लियर करोगे, तो आपको CMA बोला जाएगा। आपके नाम से पहले आप लिख सकते हो CMA --। जब सपोज आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम अगर जनार्दन पवार है, अगर मैंने CMA कंप्लीट किया है तो मैं लिख सकता हूँ CMA जनार्दन पवार। मगर आपको इसके लिए 3 स्टेजेस से जाना पड़ेगा। अगर आप 10th की बात कर रहे हो, 12th की बात कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो, तो आपको 2 स्टेजेस से जाना पड़ेगा, और वो 2 स्टेजेस हैं इंटरमीडिएट और फाइनल। उसके बाद ही आप CMA बन सकते हो। इस दौरान मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो मेरा चैनल लाइक करना और वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही मैं जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आप दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ भी शेयर सकते हो, ताकि भी उनको फ़ायदा मिले। और सबसे बड़ी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे आपका कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम इस प्रकार की वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सकें आने वाले दिनों में। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा CMA फाइनल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और नई बात। तब तक के लिए धन्यवाद।